फ्रेंड्स, क्लास 10 से टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा हाई चेन डिस्टेंसेस। ये क्वेरी हमें भेजा है अलीना जी ने फ्रॉम नागालैंड। तो चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है हाई चेन डिस्टेंस से। चलिए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए फुट ऑफ ए केबल टावर 7√3 + 7 मीटर हाई इज 45 डिग्री। मतलब आपकी बिल्डिंग 7 मीटर की है और केबल टावर आपका 7√3 + 7, मतलब उससे ऊंचा है, क्योंकि 7 में जुड़ा हुआ है ना, तो पक्की बात है केबल टावर आपका लंबा है और बिल्डिंग आपकी छोटी है। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द केबल टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। चलो ठीक है, सबसे पहले बिल्डिंग और केबल टावर बनाते हैं। अब ये तो हमें पता है कि बिल्डिंग छोटी और केबल टावर बड़ा है। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने मान लीजिए बनाई बिल्डिंग और बिल्डिंग की हाइट दी है मुझे 7 मीटर और नाम मैंने इसको दिया ए बी। मान लेते हैं कि सीडी क्या है, सीडी है हाइट मेरे टावर की, केबल टावर की, ठीक है। इसकी टोटल हाइट अपने को दी हुई है 7√3 + 7, ठीक है, कुछ इस तरह का फिगर है। अब फिर से पढ़ते हैं एक बार। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इस ए पॉइंट से क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द केबल टावर, ओके, फुट ऑफ द केबल टावर जो कि 7√3 + 7 मीटर हाई है इज 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है आपको 45 डिग्री का, तो यहाँ एक डॉटेड लाइन आपको बनानी पड़ेगी। इसको नाम मान लेते हैं E, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, तो हमेशा उसे ऐसे ही दिखाया जाता है। तो एक एंगल यहाँ डिनोट होगा और एक एंगल यहाँ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर, ओके, केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ओके, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है केबल टावर का। मतलब आपको मान लीजिए ये एंगल निकालना है थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, बात बन जाएगी। अब सबसे पहले देखो, ये जो AB है वो बिल्कुल पैरेलल है ED के, तो ध्यान रखना ED आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और उस नियम के हिसाब से देखो, अगर ये पूरी वैल्यू 7√3 + 7 है जिसमें ED वैल्यू 7 है, तो आपकी ये C वैल्यू कितनी बची भाई, 7√3 + 7 में से नीचे वाला 7 माइनस कर दो, तो कितना बचा आपके पास, CE का वैल्यू आ गया, थोड़ा सही से लिख देता हूं, समय आपके पास CE का वैल्यू आ गया 7√3। चलो अब हमें निकालना है थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल सबसे पहले देखो ए बी डी, तो चलिए ए बी डी, जरा ध्यान से, जो एंगल गिवन होता है उसके सामने परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज और बची हुई साइड हमेशा बेस। तो ध्यान रखना, हमें परपेंडिकुलर क्वेश्चन में 7 गिवन है और बेस का रिलेशन हम निकाल लेंगे। तो देखो मैंने कैसे लिया, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है आपके पास टेन थीटा, लेकिन थीटा क्वेश्चन में गिवन है कितना 45 डिग्री, तो टेन 45, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 1, ए बी की वैल्यू भी 7 है और बी डी हमारे पास पता नहीं 1 हो गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी, बी डी हो गया 7। लेकिन ध्यान रखो, ये जो बी डी है वो जो ए ही है बिल्कुल बराबर है, तो कैसे लिखा मैंने, बी डी इज इक्वल टू ए बराबर 7 मीटर सेंटीमीटर, चेक कर लो मीटर, ये लीजिए तो 7 मीटर आ गया। अब ए का वैल्यू पता है और सी का वैल्यू पता है, मुझे निकालना है थीटा। चलिए ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ध्यान से देखिए सी ई ए, इन ट्राइंगल सी ई और ए, परपेंडिकुलर सी पता है, बेस ए पता है, तो फिर से वही परपेंडिकुलर सी अपॉन बेस ए, व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा, क्योंकि वो थीटा ही अपने को निकालना है। सी कितना है 7√3 और बेस ए कितना है 7 इज इक्वल टू 10 थीटा, 7 से 7 चला गया तो अपने पास कितना आ गया, अपने पास आ गया 10 थीटा इज इक्वल टू √3। तो 10 थीटा √3 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री होता है, ये आप अपने टेबल से देख सकते हो। तो देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स के लिए सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।